होठों पर आकर अचानक रुक जाने वाले लब्स जैसे हैं ये रंग। मेरे ब्रश से निकलते हैं जब भाषा बन जाती है। लगता है जैसे न चाहते हुए भी मैंने कुछ कह दिया। जैसे ये मैंने नहीं बनाए, अपने आप ही बन गए। चाहने और पाने के बीच में जो फासला है वो मुझे अब साफ नजर आता है, क्योंकि मैंने वो पार किया है। जमीन और आसमान के बीच, सच और झूठ के बीच, जिंदगी और मौत के बीच मेरा सफर जारी रहा। उस सफर का एक छोटा सा हिस्सा शायद आज आप भी जान जाएं। मेरे छोटे से कमरे के दायरे में मेरी हर कोशिश की शुरुआत एक कलाकार की जिंदगी, लोग कहते हैं मुश्किल है, शायद ठीक ही कहते हैं। दिल चाहता है कि उस ऊंचाई को छू लें जहां और कोई पहुंच न पाए। शायद ऐसा हर एक कलाकार सोचता है। एक दोस्त के इंतजार में बैठा कॉफी पी रहा था। वहीं एक पत्रिका देखी। अचानक मेरी नजर पड़ी कैंसर के बारे में एक लेख पर। उन दिनों मुझे कुछ खांसी हो रही थी, कुछ ज्यादा, साथ आवाज भी कुछ बदली सी थी। पढ़ते ही मुझे लगा जैसे लक्षण मुझसे काफी मिलते जुलते हैं। सोचा एक बार डॉक्टर से पूछ लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। एक डर सा लग रहा था। दिन में कितने सिगरेट पीते हैं आप? डॉक्टर का पहला सवाल यही था। 40, इसी वक्त छोड़ दीजिए। हमारी पुरानी आदत है, ऐसे कैसे छोड़ दें? मैं डॉक्टर बदल दूंगा पर आदत नहीं। वो मुस्कुराए और कहा कि एक बायोप्सी कराना जरूरी है। उन्हें शक था कि मुझे कैंसर है, गले का कैंसर। डॉक्टर की शंका ठीक निकली। एक सपना आना शुरू हुआ, एक खंडहर में खो गया हूं मैं। निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है लेकिन पहुंचना मुमकिन नहीं।
मैंने दौड़ना शुरू किया, यहीं पर टूट जाता था सपना। एक अंतहीन दिशा में जैसे जिंदगी ने जाने का फैसला कर लिया। एक नशे की लत मुझे ये कहां ले आई। अपनी तमन्नाओं को अब नए आकार देने की जरूरत पड़ी। सारे सपनों के साथ जुड़ गई जीने की तमन्ना भी। मैं जिंदा रहना चाहता हूं। शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल प्रथम अवस्था में पकड़ी गई है मेरी ये बीमारी। यदि उनका कहना मान लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरा इलाज चलता रहा। कैंसर की प्रथम अवस्था थी। जल्द ही शरीर ठीक होने लगा, पर सोचते हुए दुख होता है कि जिस सिगरेट से मुझे प्रेरणा मिलती थी, मेरे सोचने की शक्ति बढ़ती थी, वही आज मौत का कारण बन गई थी। ये जंग तो मैंने लड़ी थी खुद ही, पर अकेले नहीं। साथ में मेरी पत्नी थी और मेरी बेटी अनु। घर में जितना रुपया पैसा था एक एक कर निकलने लगा, और साथ पेंटिंग्स भी। पेंटिंग्स बेचकर ही पैसे इकट्ठा करना संभव था। उस चार दीवारी में और रेडियोथेरेपी मशीन के नीचे लेटे हुए मुझे कविता याद आई। मौत एक कविता है, जिसने वादा किया है वो आएगी। कभी कभी धूप छांव में भी आ सकती है, अंधेरे में भी आ सकती है और उजाले में भी आ सकती है। मौत एक कविता है, जिसने वादा किया है वो आएगी। तंबाकू का नशा या निकोटीन का नशा, जो भी हो, स्वस्थ इंसान को खोखला बना देने के लिए काफी है। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, जिसमें तंबाकू है उससे कैंसर हो सकता है। चबाएं या पिए, दोनों एक ही तरह से क्षति पहुंचाते हैं। हम सोचते हैं कि हर कष्ट से जी रहे हैं, पर पता भी नहीं चलता कि असल में मौत को गले लगा रहे हैं। मैंने कभी एक फिल्म में देखा था कि तटीय आंध्र प्रदेश की महिलाएं जलते हुए सिरे को मुंह के अंदर डाल के धूम्रपान करती हैं। इन महिलाओं में चुट्टा की वजह से मुंह के भीतर का कैंसर बहुत ज्यादा होता है। तंबाकू एक पेड़ से पाया जाता है। इस पेड़ के पत्तों को सुखाकर बनते हैं सारे नशीले पदार्थ। जितनी देर हम खैनी या गुटके को मुंह में रखें, हानि उतनी ही ज्यादा है, और जैसे जैसे नशा बढ़ता है हम उसकी मात्रा पर काबू नहीं रख पाते। याद रखिए, हम और आप जैसे लोग जो तंबाकू के आदि हैं, हमारे लिए सावधानी ही कैंसर से बचने का एकमात्र उपाय है। मेरी तो खैर इत्तेफाकन जांच हो गई, पर अगर देर हो गई होती तो इलाज से कुछ भी ना होता। हमारे देश में ज्यादातर कैंसर देर से पकड़े जाते हैं,
इसलिए इस रोग से मौत की संख्या इतनी ज्यादा है। इतना जरूर है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, चल सकता हूं, सोच सकता हूं, बातें कर सकता हूं। मैं आज लोगों से मिलता हूं, बातें करता हूं, जिंदगी की अहमियत को महसूस करता हूं। ये एक संस्था है कैंसर से जुड़े लोगों की। यहां हम दूसरे कैंसर के मरीजों को उनकी मानसिक तकलीफ से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। मेरा एक सपना तो पूरा हुआ, जिंदगी को वापस हासिल करने का। बाकी है और एक सपना, उस ऊंचाई का सपना जिसे हमने अधूरा छोड़ दिया था। पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी को देखने से यकीन नहीं होता। इतना कुछ मैंने झेला। मुझे खुशी है कि मेरे परिवार ने मेरा इतना साथ दिया। मुझे खुशी है कि मैं आज कैंसर से बिल्कुल मुक्त हूं। मुझे खुशी है कि मैं नए सपने देख सकता हूं। एक नए सफर में निकल सकता हूं।